हेलो एवरीवन कैसे हो आप लोग हाउ आर यू ऑल आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट ठीक है सबसे पहले तो आई एम अभिलाष अभिलाष वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल ठीक है आज से हम लोग करने वाले हैं नंबर थ्योरी का एक दूसरा पार्ट मॉड्युलर अर्थमैटिक ठीक है एक पार्ट पूरी तरह से खत्म हो गया जिसमें हमने डिविजिबिलिटी डिजिबिलिटी जीसीडी लेमा एंड ऑल ये सब किया है ठीक है थोड़ा बेसिक्स वगैरह उसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी किया ठीक ठाक और अब हम लोग जो शुरू करेंगे वो मॉड्यूलर अर्थमैटिक में कॉन्ेंसी और फिर कुछ सारे थ्योरम जो यहाँ पे मॉड्यूलर अर्थमैटिक में लगने वाले हैं ठीक है तो चलो शुरू करते हैं आपका टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे और ये जो सेशन है ये ओनली थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज के बारे में नेक्स्ट सेशन जो होगा वो थोड़ा प्रॉपर्टीज प्लस प्रॉब्लम्स के बारे में होगा ठीक है चलो तो देखो सबसे पहले यार सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा एक चीज है अच्छा हेडिंग तो लिख लेने दो मॉड्यूलर अर्थमेटिक ठीक है मॉड्यूलर क्या होता है ये सब अभी समझ में आ जाएगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है. <coughs> देखो जब भी आप किसी नंबर को जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर है ए इसको बी से डिवाइड कर रहे हो तो कुछ क्वेश्चन आएगा और डिवाइड करके कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता होगा में आप इसी चीज को ऐसे लिखते थे ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लेकिन क्योंकि क्योंकि आप कुछ लेक्चर्स मेरे से पढ़ चुके हो और हमने बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम किया जहां हमें रिमाइंडर का जरूरत पड़ता था अगर आपको याद हो तो ठीक है कुछ प्रॉब्लम्स में हम कुछ क्या ज्यादातर प्रॉब्लम में हमें रिमाइंडर का जरूरत पड़ता था तो हमें बार बार क्वेश्चन की कोई जरूरत ही नहीं था और रिमाइंडर और क्वेश्चन में अगर तुम पूछोगे कि भैया ज्यादा तुमको प्रॉपर्टी कौन दे रहा है तो ऑब्वियस रिमाइंडर ही देगा क्योंकि रिमाइंडर इज गोइंग टू तो बी रिपीटेड आफ्टर सम मतलब आफ्टर सम साइकिल राइट थोड़े थोड़े साइकिल के बाद रिपीट होगा ठीक है तो इफ वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन रिमाइंडर तो काहे को इतना फालतू में के बारे में बात करना है मेरे भाई बात समझ में आ रहे हो अगर सिर्फ रिमाइंडर के बारे में ही जरूरत है जानना तो कोशेंट को मार दो गोली मेरे भाई अब समझ में नहीं आया होगा सर मैं बताऊंगा क्यों टेंशन ले रहे हो सपोज करो सपोज करो अच्छा जो अभी मैंने लिखा उसमें क्या था ए बाई बी को जब को जब बी से डिवाइड किया तो क्वेश्चन क्यों आया और रिमाइंडर आ रहा है ध्यान से समझना इस बार को रिमाइंडर तो तो आ जाएगा थ्री एक मिनट यार अब इसी को आज हम एक नए तरीके से लिखना चालू करेंगे इसी को आज एक नए तरीके से लिखना चालू करेंगे कैसे मैं ऐसे लिख रहा हूं रिमाइंडर वेन थर्टीन इज डिवाइडेड बाई फाइव ये क्या आया थ्री आया अब देखना समझना इस बात को कैसे लिख सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नया तरीका थर्टीन मॉड फाइव इज इक्वल टू थ्री इसका मतलब इतना है थर्टीन को जब फाइव से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना है? ये जो मॉड वर्ड है ये ये बता रहा है कि कितना रिमाइंडर देगा बस यही है खत्म है कहानी अगर ये बात समझ में आता है हाँ, लिखने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है इफ यू आर न्यू टू इथ दिस एरिया पुराने हो तो कोई दिक्कत नहीं पुराने हो तो मैं तो बोलूंगा यार थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो बिकॉज आई एम गोइंग टू कवर बेसिक ओनली ठीक है मतलब पुराने खिलाड़ी हो तब बोल रहा हूं नए खिलाड़ी हो तो पूरा देखो ठीक है अब समझना बात को अब समझना बात को यानी कि जैसे हम नंबर को ए को बी से जब डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आया था हमारा रिमाइंडर आया था आर इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं इस चीज को हम ऐसे लिख सकते ए मोड बी इज इक्वल टू आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर यू गेटिंग माई पॉइंट चलो एक दो एग्जाम्पल करते हैं जैसे जैसे बहुत छोटे सा एग्जाम्पल लेते हैं जैसे जीरो को थ्री से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा रिमाइंडर आएगा जीरो इसी जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं जीरो मोड थ्री आर यू बात आर यू गेटिंग क्या मैं बात मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूं बात समझ में आ रही है अगर मैं रिमाइंडर निकालना चाहूं जब वन को थ्री से डिवाइड करो तो रिमाइंडर वन आएगा इसको क्या लिख सकते हैं ठीक है वन थ्री। अगर मैं ये बोलू कि रिमाइंडर बताओ जब एट को तीन से डिवाइड करोगे तो ही बात पता है कि टू आता है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एट मोड थ्री कहानी समझ में आ रहा है बहुत ही सिंपल है अगर अगर आप ट्वेंटी सेवन को सेवन से डिवाइड किए ट्वेंटी सेवन को सेवन से डिवाइड किए और आपको सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है रिमाइंडर कितना सेवन थ्री ट्वेंटी वन प्लस सिक्स ठीक है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम बहुत ही प्यार से ऐसे लिख सकते हैं कि ट्वेंटी सेवन मॉड सेवन इज इक्वल टू सिक्स खत्म हो गया लिखने का तरीका बस यही है कि भैया दीदी जब ट्वेंटी सेवन को ट्वेंटी सेवन को सेवन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा रिमाइंडर कितना आएगा रिमाइंडर छ आएगा that's it, इतना ही है अब ये तो प्रोसेस है, ये 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 जो जो है 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 या जो remainder का ठीक बात अगर समझ नहीं आ रहा है तो एक चीज देखो जैसे मान लो ये अपना नंबर लाइन है ठीक है ये अपना number line है। हम लोग थ्री के बारे में बात कर रहे थे राइट ठीक है थ्री के बारे में बात कर रहे थे एक काम करते हैं यहाँ पे नंबर लाइन में ड्रॉ करते जीरो वन टू थ्री फोर फाइव माइनस वन माइनस टू ठीक है ऐसा ये अपना एन है और मैं यहां पे लिख रहा हूं एन मोड थ्री ठीक है गेटिंग क्या मैं लिख रहा हूं एन मोड थ्री जब नंबर को तीन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा वो यहां लिखने वाला हूं तो जीरो को तीन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर वन है वन को तो वन ही आएगा टू को टू ही आएगा थ्री को आएगा फिर जीरो फोर को तीन से डिवाइड करोगे रिमाइंडर वन आएगा फाइव को तीन से डिवाइड करोगे रिमाइंडर टू आएगा

क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस वन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ठीक है कैसे लिख सकता हूं तुम ही बताओ ऐसे लिख सकता हूं कि माइनस वन इंटू थ्री प्लस टू ठीक है ये नंबर है ए ये नंबर है बी ठीक है सॉरी ये नंबर है बी ये है क्यू ठीक है ए इज इक्व टू बी क्यू प्लस आर बात समझ में आ रहा है तो ऑब्वियस रिमाइंडर टू आएगा तुम में से कुछ लोग बोलेगा सर सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि यहां पे हम माइनस में ही नंबर को रहने दें नहीं कर सकते हैं यहां पे यूक्लिड डिविजन तुम लेमा लिख के आए हो देख के आए हो पढ़ के आए हो तुम यहां पे रिमाइंडर को माइनस नहीं रख सकते हो रिमाइंडर विल ऑलवेज स्टार्ट विथ जीरो रिमाइंडर ऑलवेज ठीक है रिमाइंडर ऑलवेज वेरीज फ्रॉम जीरो टू तो बी माइनस वन जहां पे बी बी क्या है बी वो नंबर है जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो मतलब बी डिवाइजर है जिसको डिव... जिससे डिवाइड कर रहे हो वो बी है बहुत ही सिंपल सा बात बात है है बहुत ही सिंपल सा बात है। तो ये बात समझ में आ रहा है साइकिल चलेगा यहां हो जाएगा फिर आगे जीरो वन टू। को समझने का एक और तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पे कन्वर्ट करूंगा मैं ध्यान से देखना यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कन्वर्ट करूंगा ठीक है ध्यान से देखना यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखो देखो जो अपना घड़ी होता है घड़ी भी cycle, है, है? एक साइकिल साइक्लिक चीज है ठीक है लेट मी ड्रॉ घड़ी के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है, है? एक घड़ी के बारे में बात कर लेते हैं घड़ी से पहले एक छोटा सा बात करते हैं ये थ्री वाला ठीक है मेरे को एन मोड थ्री है क्या है एन मोड थ्री ये दिख नहीं रहा है ना एन मोड थ्री है मतलब मेरे को कोई भी नंबर दिया हुआ है गिवन नंबर है एन उसको तीन से डिवाइड करना और रिमाइंडर के बारे में बात हो रहा है ध्यान से समझना रिमाइंडर के बारे में बात हो रहा है तुम तो क्या करेंगे एक सर्कल बनाएंगे और इसको तीन भाग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीन मार्क करेंगे ठीक है जैसे एक को बोल दिए जीरो एक को बोल दिए वन ठीक है किसी भी नंबर को अगर तुम तीन से डिवाइड करोगे तो तीन रिमाइंडर आएगा या तो जीरो या तो वन या तो टू ठीक है अब समझना बात को अगर तुमको बोला जाए तुमको इसका वैल्यू निकालना है फाइव नॉट थ्री ठीक है बहुत ही बेसिक से चल रहा है बहुत ही बच्चा वाला तरीके तो फाइव नॉट थ्री कैसे होगा जीरो वन टू फिर यहां पे थ्री आएगा फिर यहां पे फोर आएगा फिर यहां पे फाइव आएगा आर यू गेटिंग माय पॉइंट तो फाइव कहां पे आया टू के पास तो आंसर क्या हो जाएगा ठीक है मैं माइनस वाला के लिए बता रहा हूं अभी आपको लग रहा होगा सर क्या बच्चा वाला बात कर रहे वेट करो दो मिनट वेट करो ठीक है विजुअली विजुअली देखने की कोशिश करो कि कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलस और आप डेली इसको यूज कर रहे हो बस पता नहीं है कि हम यूज कर रहे हैं आर यू गेटिंग माई पॉइंट परफेक्ट मान लो ऐसे लिखा हुआ है सेवन मोड थ्री ध्यान से देखना जीरो वन ठीक है मी राइट जीरो वन टू थ्री फोर फाइव नाउ यहां पे सेवन आएगा, आएगा जहां पे सेवन आया है वहां पे आप क्या मार्क किए हो वन तो ऑब्वियस रिमाइंडर वन आएगा अब तुम बोलोगे सर ये तो मेरे को तो पहले से पता था आंसर से मतलब नहीं है मैं यहां पे अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं ध्यान से समझो बात को असली खेल होगा अगर मैं यहां पे बोल ध्यान दूसरे माइनस टू मॉड थ्री ठीक है इस तरह के सवाल में साइकिल बहुत आसान क्वेश्चन बना देगा कैसे सर अभी तक जो मैं कर रहा था मैं क्लॉकवाइज घूम रहा था राइट क्लॉकवाइज घूम रहा था तो जब क्लॉकवाइज घूमो तो प्लस होगा जब एंटी क्लॉकवाइज घूमो तो माइनस होगा सर समझ नहीं आया मैं बता रहा हूं

माइनस सेवन मॉड थ्री अगर ऐसे होता तो सर माइनस सेवन मॉड थ्री तो देखेंगे फोर यहां माइनस फाइव यहां माइनस सिक्स यहां माइनस सेवन माइनस सेवन आ रहा है टू रहा है टू रहा है तो रिमाइंडर तो कितना होगा टू निगेटिव वाले में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए उससे बेहतर है कि आप साइकिल रिखो और उल्टा घूमना चालू करो तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर बड़ा नंबर हुआ तो क्या घूमते रहेंगे अरे भैया साइकिल है साइकिल है साइकिल का फायदा उठा लेना अब कैसे उठाते हैं ये तुम डिविजिबिलिटी ये सब में पढ़ते हुए आ रहे हो ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है ठीक है क्लियर है ये बात क्लियर है तो यानी कि मॉड्यूलर भी एक साइकिल चीज है मतलब अगर मैं सिंपल से यहां पे बोलूं कि एन मॉड थ्री यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है एन मोड थ्री तो ऑब्वियस आंसर है या तो जीरो या तो वन या तो थ्री अब देखना बहुत ही मजेदार चीज होने वाला है यहां पे यहीं पे मैं बातों बातों में क्या करने वाला हूं यहां पे देखना ठीक है अब थोड़ा सा चीजों को बड़ा करते हैं एन मॉड टेन करते हैं एन अच्छा एक मिनट ये जो मैंने बोला ये क्लॉकवाइज लिखा नहीं ठीक है ध्यान से सुनना

ठीक है जब भी कोई टॉपिक को पढ़ने आ रहा एक मिनट के लिए भूल जाना कि तुम किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो स्टार्टिंग फेज के लिए और उस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करो ठीक है एग्जाम अपने आप निकलेगा ठीक है जैसे जो लोग आईआईटी की तैयारी करेंगे आगे जाके उनको यह बात समझ में आएगा मेन्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं एडवांस की बात कर रहा हूं कि आई में सब्जेक्ट अच्छा करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन ये ध्यान देना कि सर वो सिंगल चॉइस वहां पर ज्यादा बार आया है सर यहां पे ऐसा क्वेश्चन आता है भैया जे एडवांस में पैटर्न भी ठीक से पता नहीं होता है हाँ कुछ सेट्स पता है कि ऐसे ऐसे आता है लेकिन हर बार कुछ ना कुछ एक सरप्राइज मिलता है ये बात समझ में आ रहा है क्या कहानी समझ में आ रहा है क्या तो इसलिए यू शुड बी रेडी टू फाइट फॉर ठीक है कि जैसा भी सिचुएशन आए हम वो उसको फतेह कर देंगे वो कब होगा जब आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा और और चीजों को एकदम क्रिप्स कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आएगा अगर आप ऐसे पढ़ोगे कि उस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है ठीक है एक एग्जाम निकल भी गया पूरी जिंदगी बचा हुआ है अभी दिक्कत हो जाएगा कहीं ना कहीं आज अच्छे से पढ़ लिया हर एग्जाम में टक 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 करते रहोगे समझ में आ रहा है तो ये इंपॉर्टेंट चीज है ये ध्यान में रखना ये मत सोचना कि सर पी में ये तो आएगा नहीं तो ये क्यों करवा रहे भैया तुम्हें समझ में आ जाएगा ठीक है चलो अब एक और एक और बार साइकिल बनाते हैं ठीक है एक और बार साइकिल बनाते हैं और इस बार घड़ी बनाते हैं घड़ी का मतलब क्या है घड़ी का मतलब है जो नंबर डिवाइड करने वाला है वो ट्वेल्व है क्योंकि बारह डिस्ट्रीब्यूशन रहता है बजे का। मतलब 12 आवर वाले में। ठीक है? तो ये क्या होगा जीरो ये क्या होगा? थ्री ये क्या होगा सिक्स ये क्या होगा नाइन ठीक है ये होता है अपना घड़ी बीच बीच में मार दो मारना है तो वन टू फोर फाइव सेवन एट नाइन टेन इलेवन ठीक है ये अपना घड़ी हो गया बहुत सिंपल चीज है बहुत सिंपल चीज है अगर अगर ध्यान समझना अगर तुमको बोला जाए अगर तुमको बोला जाए कि अभी दस बजा है अभी कितना बजा है अभी दस बजा है अभी दस बज रहा है ठीक है अभी से पांच घंटा बाद कितना बजेगा तो तुम बोलोगे सर इसमें पांच जोड़ देंगे तो अपने पास पंद्रह बज गया मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया पंद्रह इस साइकिल में कहा आ रहा है ठीक है तो देखो जीरो थ्री, इलेवन तक तो यहां आ रहा है ट्वेल्व यहां आएगा थर्टीन यहां आएगा फोर्टीन यहां आएगा और फिफ्टीन यहां आएगा फिफ्टीन कहां पे आया? तीन पे. तो कितना बजा तीन अब इस बात को बहुत गौर से समझना क्या कहना चाह रहा हूं मतलब मतलब यहां पे मेरे को ये मतलब नहीं है कि पंद्रह ही तीन होता है उससे कोई मतलब नहीं है मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूं मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब आप पंद्रह को तीन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा ठीक है सॉरी ट्वेल्व से डिवाइड करोगे अपना बी है यहां पर जब पंद्रह को ट्वेल्व से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा तीन जब तीन को जब तीन को 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बोलूंगा बहुत मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया अब ध्यान से समझना अब ध्यान से समझना अगर अगर मैं बोलूंगा मैं बोलूंगा अभी बज रहा है दस अभी कितना बज रहा है दस ठीक है अभी बज रहा है दस अगर मेरे को ठीक है अगर मेरे को सत्रह घंटा बाद का समय निकालना हो तो इसमें जोड़ेंगे हम सेवनटीन अगर मेरे को यह बोला जाए कि अभी दस बज रहा है और अभी से सत्रह घंटे बाद तुम्हारा एग्जाम है तो तुम क्या करोगे इसमें सत्रह जोड़ोगे इसमें क्या जोड़ोगे सत्रह जोड़ोगे तो कितना हो ट्वेंटी सेवन राइट अब ध्यान से समझना साइकिल में ये देखना है कि भैया ट्वेंटी सेवन कहां पे आ रहा है तो तुम देखोगे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टीन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन यहां कितना आ जाएगा सिक्सटीन यहां कितना आ जाएगा सिक्सटीन यहां सेवनटीन यहां एटीन यहां नाइनटीन ट्वेंटी यहां ट्वेंटी वन ठीक है यहां ट्वेंटी टू यहां ट्वेंटी थ्री यहां ट्वेंटी फोर यहां ट्वेंटी फाइव यहां ट्वेंटी सिक्स यहां ट्वेंटी सेवन यानी कि सत्रह घंटे बाद भी तीन बज रहा है ट्वेंटी सेवन मॉड ट्वेल्व इज इक्वल टू थ्री क्या ये सही है क्या ये सही है बात में आ रहा है अब फिर से सुन लेना यहां पर मैं टाइम के बारे में बात नहीं करने वाला हूं मैं ये बता रहा हूं कि कितना ब्यूटीफुली साइकिल का कॉन्सेप्ट रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट मॉड्यूलर्स का कॉन्सेप्ट को यूज करके ये साइकिल ये घड़ी ये समय बनाया गया है ठीक है बात समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है इट्स ओके okay. थोड़ा सा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू है बट अगर समझ में आ रहा है तो फिर मजा आ रहा होगा ठीक है नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन जो बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है ठीक है अब इस चीज को मैं थोड़ा सा यहां पे मैं क्वेश्चन एक पूछूंगा आपसे मैं तीन को जब ट्वेल्व से डिवाइड कर रहा हूं तो कितना रिमाइंडर बच रहा है तीन फिफ्टीन को जब ट्वेल्व से डिवाइड कर रहा हूं तो कितना रिमाइंडर बच रहा है तीन जब ट्वेंटी सेवन को ट्वेल्व से डिवाइड कर रहा हूं तो कितना रिमाइंडर बच रहा है तीन ठीक है जब थर्टी नाइन को जब थर्टी नाइन को ट्वेल्व से डिवाइड करोगे तब कितना रिमाइंडर बचेगा तीन। यानि कि ये जो सारा नंबर है थर्टी और नाइन और ऐसा बहुत सारा नंबर होगा जो एक कॉमन प्रॉपर्टी शेयर कर रहा है और वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है वो कॉमन प्रॉपर्टी है कि जब भी उस नंबर को आप ट्वेल्व से डिवाइड कर रहे हो जब भी आप उस नंबर को ट्वेल्व से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर तीन बच रहा है एप्लीकेशन में कि जब भी तुम अभी जितना बजाय मान लो अभी दस बजे और पंद्रह घंटे बाद तीन बजेगा तो ब... हाँ, तीन घंटे सॉरी हाँ पंद्रह घंटे बाद तीन बजेगा तीन घंटे बाद भी तीन बजेगा जो भी है उस हिसाब का कहानी चल रहा है ठीक है तीन घंटे बाद तीन ही बजेगा आई एम सॉरी दस ग्यारह बारह तेरह यहां से ठीक है चलो हां सही है क्या ये बात समझ में आ रहा है कहानी समझ में आ रहा है क्या बोलना मैं चाह रहा हूं क्या मैं बोलना चाह रहा हूं ये बात समझ में आ रहा है हम लोग दस बजे का एक रेफरेंस पॉइंट लिए थे दस से सत्रह घंटे बाद तीन बज रहा था दस से पांच घंटे बाद तीन बज रहा था तो ऐसे स्टील हमेशा बसते रह गए एक फिक्स साइकिल में बात समझ में आ रहा है तो यहां पे 15, 3 और 27 और 39 नाइन कॉमन प्रॉपर्टी शेयर कर रहा है और इस प्रॉपर्टी का नाम है और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और उस प्रॉपर्टी का भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे नाम होता है कॉन्क्एंसी नाम होता है कॉन्क्एंसी नहीं समझ में आया सर मैं बताऊंगा टेंशन मत लो मैं बताऊंगा टेंशन मत लो ठीक है मैं बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लेके बताऊंगा समझना है आप मोड टेन कितना आएगा कितना आएगा वन आएगा इलेवन मॉड टेन कितना आएगा अरे इसका मतलब क्या अरे इसका मतलब यह है कि इलेवन को जब टेन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर वन बचेगा तो रिमाइंडर वन बचेगा ट्वेंटी वन मॉड टेन रिमाइंडर वन बचेगा थर्टी वन मॉड टेन रिमाइंडर वन बचेगा में आ रहा है दूसरा ले लेते हैं थ्री मोड टेन रिमाइंडर तीन बचेगा ट्वेंटी थ्री मॉड टेन रिमाइंडर तीन बचेगा थर्टी थ्री मॉड टेन रिमाइंडर तीन बचेगा अब यार यहां से दो कंक्लूजन में बताने वाला हूं दोनों ही कंक्लूजन खतरनाक इंपॉर्टेंट है पहला कंक्लूजन है कि अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से समझो यहां पे अपने पास बी का वैल्यू क्या है बी का वैल्यू है टेन ठीक है बी का वैल्यू है टेन और ए का वैल्यू है इस साइकिल में ट्वेंटी है, 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 और थर्टी वन है थोड़ा ध्यान समझना थोड़ा ध्यान से समझना क्या मैं यह बोल सकता हूं कि वन में जब मैं मल्टीपल ऑफ टेन जब वन में एक मिनट रुक जाना एक मिनट रुक जाना जो ओरिजिनल आंसर है अपना ठीक है ओरिजिनल आंसर है ठीक है ओरिजिनल आंसर है ध्यान से समझना इस बात को वन मॉड टेन इसका ओरिजिनल आंसर वन है इस नंबर में जिस नंबर को तुम डिवाइड कर रहे हो यानी कि ए में मैं कुछ चेंज कर रहा हूं और कैसा चेंज कर रहा हूं मैं कैसा चेंज कर रहा हूं इस नंबर में मैं मल्टीपल ऑफ टेन जोड़ रहा हूं तुम देखो ना वन प्लस ठीक है लेट मी राइट यार टेन इंटू वन टेन यहां पर टेन इंटू जोड़ा है आगे में टेन इंटू थ्री जोड़ा है ठीक है ऐसे करके कहानी साइकिल चल रहा है क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ए मॉड बी ए mod बी का जो आंसर आ रहा है वो ए प्लस के इंटू बी मॉट बी का भी आंसर सेम आएगा सर नहीं समझ में आया सर कोई बात नहीं मैं बता रहा हूं ए मॉड बी यहां पर समझो अपना बी का वैल्यू टेन है अपने एग्जाम्पल में और ए का वैल्यू वन है वन मॉड बी ए प्लस के बी मॉट बी के बराबर होगा इसका मतलब यह है वन प्लस टेन इंटू वन के बराबर होगा ऑब्वियस है इलेवन ट्वेंटी वन को क्या लिख सकते हो वन इंटू टेन सॉरी वन प्लस टेन इंटू टू लिख सकते हो कि नहीं थर्टी वन को वन प्लस टेन इंटू थ्री लिख सकते हो कि नहीं बताना यार जल्दी तो यानी कि बी का एक फिक्स इंटरवल के बाद जो साइकिल साइकिल बोल रहे थे उसको लिखते कैसे है उसको लिखते हैं ऐसे भैया ए मोट बी इज़ टेंशन लेने की बात नहीं, है। टेंशन लेने की बात नहीं है, इसका समाधान होगा ठीक है बट यहां पे मैं समझाना चाह रहा हूं कि एक एक प्रॉपर्टी निकल के आया दूसरा ये है कि ध्यान से देखो ऊपर भी ये बात हुआ था ऊपर भी, भी ये बात हुआ था वन इलेवन 21 31 ये सारे के सारे नंबर एक कॉमन प्रॉपर्टी शेयर कर रहे और वो प्रॉपर्टी क्या है वो प्रॉपर्टी ये है कि जब उसको तुम 10 से डिवाइड कर रहे हो तो सबके सब रिमाइंडर सब 1 दे रहे हैं तो यार इस तरह के नंबर को ध्यान से समझना इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं कॉनकरेंट लिखने ध्यान से समझो जैसे हम ऐसे लिखेंगे 11 इज कॉनकरेंट टू 1 मॉड 10 मतलब यह है कि जब तुम 11 को 10 से डिवाइड किए या 1 को 10 से डिवाइड किए तो दोनों में रिमाइंडर सेम आया 21 वन इज कॉन्क्यूरेंट टू इलेवन विच इज कॉन्क्यूरेंट टू वन मॉट इसका मतलब यह है कि जब 21 को तुम 10 से डिवाइड किए जब तुम 11 को 10 से डिवाइड किए जब तुम 1 को 10 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर सेम आया गेटिंग माई पॉइंट कितना मतलब ब्यूटीफुली चीजों को क्लासीफाई किया हुआ है मतलब तुम ऐसे सोचो कि एक बार दुनिया में सब नहीं रहता यार सोचना कितना सही चीज है कि तुम डिवाइड करके के बेसिस पे नंबर को क्लासिफाई कर रहे हो मतलब व्हाट अ ब्यूटी यार व्हाट ब्यूटी ठीक है थर्टी वन इज कॉन्क्ट टू ट्वेंटी वन इज कॉन्क्यूरेंट टू इलेवन इज कॉन्क्ट टू वन मोर्ड टेन इसका मतलब इतना है कि जब तुम 31 को 10 से डिवाइड किए और 21 को 10 से डिवाइड किए और 11 को 10 से डिवाइड किए और 1 को 10 से डिवाइड किए तो सब में रिमाइंडर सेम आया यानी कि अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो मैं क्या ये लिख सकता हूं ए इज कॉन्क्यूरेंट टू बी मॉड एम का मतलब मतलब ये है वेन ए एंड बी आर डिवाइडेड इंडिविजुअली ठीक है इंडिविजुअली डिवाइडेड बाई एम इट गिव सेम रिमाइंडर इट गिव सेम रिमाइंडर ध्यान से समझना इट गिवस सेम रिमाइंडर क्या बात है क्या ये कहानी समझ में आ रहा है मतलब कितना खूबसूरत सा चीज है ना है कि नहीं है नहीं? बताओ है कि नहीं है तो कॉन्क्यूरेंट इसको बोलते हैं तो इसको बोलते हैं ये जो लाइन है इसको पढ़ते है कैसे है ए इज कॉन्क्यूरेंट टू बी m एम m एम ठीक है इसको बोलते हैं कॉन्क्यूरेंट ध्यान रखना ध्यान रखना ये है कॉन्क्यूरेंट और ये है इक्वल टू कॉन्क्यूरेंट का मतलब अलग है और इक्वल टू का मतलब अलग है ये है कॉन्क्यूरेंट का साइन और ये है इक्वल टू का साइन ये दोनों अलग अलग चीज है ये ध्यान में रखना रिप्रेजेंटेशन अलग है अगर ऐसे लिखा हुआ है सेवन मॉड फाइव क्स टू तो मतलब यहां पे ये है कि सात को जब पांच से डिवाइड किया तो रिमाइंडर टू बचा लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है कि सेवन इज कॉन्ट टू मॉड टॉड इसका मतलब ये ये है कि जब और दोनों एक टाइप का नंबर है इन कॉन्टेक्ट ऑफ डिविजन बाई फाइव जब तुम पांच से डिवाइड करोगे तो दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर यू गेटिंग क्या बोल क्या बोल रहा हूं क्या समझाना चाह रहा हूं आई होप ये कहानी समझ में आ रहा होगा ठीक है तो एक छोटा सा और की पॉइंट करते हैं ठीक है थीके? अब एक छोटा सा ठीक है एक छोटा सा चीज है जैसे एग्जाम्पल करते हैं ठीक है समझना इस बात को अगर ऐसे लिखा हुआ है थर्टी सेवन ठीक है ऐसे लिखा हुआ थर्टी सेवन इज कॉन्क्यूरेंट टू सिक्सटीन मॉड सेवन मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं क्या ये सही लिखा हुआ है क्या ये सही लिखा हुआ तो पहला अभी तक मैंने जितना बताया उसके हिसाब से अगर तुम सोचोगे तो तुम ये सोचोगे कि सिर्फ थर्टी सेवन को जब सेवन से डिवाइड करेंगे जब थर्टी सेवन को सेवन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा टू मैं बोलूंगा सही है जब सिक्सटीन को सेवन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा टू हाँ सर सही लिखा हुआ है मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है लेकिन मी टेल यू इतना भी करने की जरूरत नहीं है इतना भी करने का जरूरत नहीं है सर कैसे अब ध्यान से समझना 37 को एक बार 16 में माइनस कर दो तुम पूछ रहे हो कि सर ये क्यों माइनस कर रहे हैं ये मैं आगे बताऊंगा दो मिनट रुक जाओ 37 को 16 में माइनस कर दो कितना बचेगा यार ये बचेगा 21 क्या 21 इज डिविजिबल बाय 7 क्या 21 इज डिविजिबल बाय 7 बिल्कुल है ठीक है अब से ध्यान से सुन लेना अब ध्यान से सुन लेना ए ज कॉन्क्यूरेंट टू बी मोड एम ए इज कॉन्क्यूरेंट टू बी मॉड एम इफ एंड ओनली इफ इफ एंड ओनली इफ एम डिवाइड ए माइनस बी और बी माइनस ए अगर दोनों कॉन्क्यूरेंट लिखा हुआ है तो कॉन्क्यूरेंट तभी होगा जब दोनों का डिफरेंस पूरा पूरा डिवाइड होगा एम से भाई दोनों का डिफरेंस पूरा पूरा डिवाइड होगा सर यार ये सर समझ नहीं आ रहा है यार बता रहा हूं रहे जैसे लिखा हुआ है ट्वेंटी सेवन है इसका मतलब ये है कि 27 को जब 5 से डिवाइड करोगे ट्वेल्व कर, को फाइव से डिवाइड करोगे कर, तो सेम रिमाइंडर आएगा टू आएगा लेकिन दोनों का डिफरेंस निकाल के तो देखो ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेल्व कितना आएगा ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेल्व फिफ्टीन आएगा क्या 515 को डिवाइड करता है बिल्कुल करता है मेरे भाई तो इज कॉन्ट टू बी मॉड्यूलो एम इफ एम ऊपर भी देख लो ऊपर भी देख लो जहां पे मैंने बताया है इन दोनों का डिफरेंस है टेन इन दोनों का डिफरेंस है टेन इन दोनों का डिफरेंस है टेन अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ट्वेंटी पहला और आखिरी का डिफरेंस निकालोगे तो थर्टी जितना भी डिफरेंस है एवरीथिंग इज डिविजिबल बाई टेन बहुत ही प्यार से बहुत ही प्रेम से समझा रहा हूं बहुत ही धीरे धीरे आई होप कहानी समझ में आ रहा होगा हाँ तुम्हारे मन में यह सवाल हो सकता है कि सर इसका कोई प्रूफ भी है तो ऑब्वियस प्रूफ है ऑब्वियस इसका बकायदा प्रूफ मैं दूंगा ठीक है बकायदा मैं प्रूफ दूंगा लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूं अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि राइट कंडीशन ठीक है राइट कंडीशन फोर एक्स इज कॉन्क्यूरेंट टू वाई मॉड्यूलो एम तो एक ही कंडीशन है इसका एक ही कंडीशन है इसका और वो कंडीशन यह है कि एम शुड डिवाइड द डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई देन ओनली एक्स इज कॉन्क्ट टू वाई क्या यह बात समझ में आ रहा है अब चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं बहुत ही प्यार से दे प्रूफ देख लेते हैं या एक दो और एग्जाम्पल देखना है तो देख लो ठीक है एक दो एग्जाम्पल देखना है और तो देख लो थर्टी फाइव इज कॉन्क्यूरेंट थर्टी फाइव इज कॉन्क्यूरेंट फोर्टी थ्री mod एट ठीक है एक मिनट यार एटी थ्री मोड एट ठीक है देखो थर्टी फाइव को जब तुम एट से डिवाइड करोगे तो यूल गेट थ्री एज ए रिमाइंडर एटी थ्री को जब तुम एट से डिवाइड करोगे तो यूल गेट थ्री एज अ रिमाइंडर बट वॉट इज वैल्यू ऑफ एटी थ्री माइनस थर्टी फाइव टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ एटी थ्री माइनस थर्टी फाइव इसका वैल्यू हो जाएगा 48, एट right? राइट इसका वैल्यू हो जाएगा फोर्टी एट आई परफेक्ट तो क्या 8 48 को डिवाइड कर रहा है कर रहा है. तो यार कंडीशन कंडीशन है, condition है कि अगर x इज y मॉड m लिखा हुआ है तो पक्की बात है कि m डिवाइड्स x माइनस वाई ये पक्की बात है इसका प्रूफ देखते प्रूफ देखते हैं ठीक है प्रूफ इसका प्रूफ देख रहे कि ए इज कॉन्क्यूरेंट टू बी मॉड एम प्रा अगर ए और बी कॉन्फ्यूरेंट होगा मान लो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं कि ये हमारा गिवन है ये हम स्टार्ट करते हैं यहां से और हम यहां तक पहुंचना चाहेंगे, ठीक है अगर ए इस कॉन्फ्यूरेंट टू मॉड बी होगा तो डेफिनेशन के अनुसार क्या होगा कि रिमाइंडर जो होगा जब तुम ए को एम से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर जो होगा जब तुम बी को एम से डिवाइड करोगे तो दोनों बराबर होगा उसको आर मान ली क्या मैं ये लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू एज इक्व एम इंटू क्यू वन प्लस आर क्या यह लिख सकता हूं और क्या मैं ये लिख सकता हूं कि बी इज इक्व टू एम इंटू क्यू टू प्लस आर अरे ये तो बचपन से करते आ रहे हो यार अब मेरे को ये प्रूफ करना है कि एम डिवाइड ए माइनस बी तो दोनों का डिफरेंस ले लो यहां क्या होगा दोनों का डिफरेंस लोगे तो यहां क्या होगा बताओ तुम्हें ये हो जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू एम इंटू क्यू वन माइनस क्यू टू साफ साफ दिख रहा है यार ए माइनस बी इज इक्व टू एम इंटू सम्स ए माइनस बी क्या बात है इसका मतलब प्रूव हो चुका है हिंस प्रूफ क्या ये कहानी समझ में आ रहा है क्या ये कहानी समझ में आ रहा है बहुत ही सिंपल सा चीज है यार बहुत ही सिंपल सा चीज है क्लियर हुआ क्या ये ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसको याद रखना है इस चीज को याद रखना है ये जो चीज है कहा मैंने लिखा था पहली बार ये रिजल्ट को याद रखना है लेट मी मेक इट इन बॉक्स ठीक है ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ठीक है ऑब्वियस ऊपर में एक और रिजल्ट लिखा था मैंने एक और रिजल्ट लिखा था ये वाला ये भी ध्यान में रखना है ठीक है मैं जैसे जैसे रिजल्ट लिखवाते जाऊंगा लास्ट में नेक्स्ट क्लास में समरी देके पूरा प्रॉपर्टी एक साथ लिखवा दूंगा लेकिन मैं पहले आपको याद नहीं करवाना चाहता हूं मैं दिखाना चाहता हूं कि ये होता है इसका प्रूफ ये है ठीक है आई आई एम एम मतलब मोर ऑफ अ सब्जेक्टिव पर्सन पर्सन ठीक ठीक है प्रू, ठीक है प्रूफ वाला हूं मैं कि हर चीज प्रूफ के साथ जनरली मैं करता हूं तो ये कहानी है ठीक है एक चीज और देखते हैं एक चीज छोटा सा और देखते हैं ठीक है एक छोटा सा इंटरेस्टिंग चीज और देखते हैं अगर अगर मैं बोलूं बताओ ध्यान से समझना है इस बात को एन मॉड थ्री कितना होगा तो तुम बोलोगे सर बहुत आसान है या तो जीरो या तो वन या तो टू लेकिन मैं बोलूं एन स्क्वायर मॉड थ्री कितना होगा अगर मैं ये बोलूं ठीक है ध्यान से समझना है इस चीज को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है ठीक है अब देखो यार मान लो हम यहां पर एन स्क्वायर का टेबल बना देते हैं और यहां मॉड थ्री का टेबल बना देते हैं ठीक है एन स्क्वायर एक दो चार पांच नंबर लिख लेते हैं का uh, तो वन आएगा फोर को थ्री से डिवाइड करोगे तो वन आएगा नाइन को थ्री से डिवाइड करोगे तो जीरो आएगा सिक्सटीन को थ्री से डिवाइड करोगे तो वन आएगा ट्वेंटी फाइव को थ्री से डिवाइड करोगे तो वन आएगा थर्टी सिक्स को जीरो से डिवाइड सॉरी जीरो बोलते है. थ्री से डिवाइड करोगे तो जीरो आएगा फोर्टी नाइन को थ्री से डिवाइड करोगे तो वन आएगा अभी फिर वन आएगा ठीक है सेवन का स्क्वायर है एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर को तीन से डिवाइड करोगे तो वन आएगा रिमाइंडर के बारे में बात हो रहा है उसके बाद ठीक है उसके बाद क्या हुआ एट हो गया एट्टी वन एट्टी वन को तीन से डिवाइड करोगे तो जीरो आएगा और हंड्रेड को तीन से डिवाइड करोगे तो अगेन वन आएगा तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि एनी स्क्वायर यानी किसी भी स्क्वायर के हो अगर तुम तीन से डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर वन आएगा या तो जीरो आएगा यही फॉर्म तुम इक्वेट हो या तो थ्री क्यू तो प्लस वन आएगा ठीक है तो यहां पे, पे को लिख लेने दो कि इसका या तो जीरो तो इंटरेस्टिंग क्या, क्या है वो सुनना इंटरेस्टिंग क्या है? वो सुनना। ये है साहब कि जब तुम एन मोड थ्री करोगे एन मोड थ्री करोगे तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है एक तो जीरो एक वन और एक टू मैं बोलूंगा जब तुम एन स्क्वायर मॉड थ्री करोगे तो पॉसिबिलिटी या तो जीरो स्क्वायर है या तो वन स्क्वायर है या तो टू स्क्वायर है जीरो स्क्वायर जीरो होता है टू स्क्वायर फोर होता है लेकिन फोर अगर थ्री से डिवाइड फिर से होगा और फिर से रिमाइंडर वन ही बचेगा सर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है टेंशन नहीं है बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि तुम जो मॉड्यूलर में जो भी सेट्स आया जैसे सिंपल है एक छोटा सा अभी दूसरा तरीके से करते हैं एन मोट सेवन लिखते हैं एन मोट सेवन लिखते हैं यहां क्या क्या आंसर आएगा या तो जीरो आएगा या तो वन आएगा या तो थ्री आएगा या तो फोर या तो फाइव या तो सिक्स इतना नंबर आएगा अगर मैं तुमसे पूछू कि बताओ एन स्क्वायर मोड सेवन क्या आएगा तो ठीक है मैं वैसे भी करूंगा नंबर को लिस्ट डाउन करके लेकिन मैं ये बता दे रहा हूं या तो जीरो स्क्वायर आएगा या तो वन स्क्वायर आएगा या तो टू स्क्वायर आएगा या तो थ्री स्क्वायर आएगा या तो फोर स्क्वायर आएगा या तो फाइव स्क्वायर आएगा या तो सिक्सटीन सर आप भी क्या क्या पागल जैसा लिख रहे हो ऐसे बोलोगे क्या दिखला रहा हूं जीरो स्क्वायर तो जीरो होता है टू स्क्वायर फोर होता है थ्री स्क्वायर नाइन होता है नाइन को जब सेवन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा टू आएगा फोर स्क्वायर सिक्सटीन होता है सिक्सटीन को जब तुम सेवन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर अगेन टू आएगा जब फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव को सेवन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर फोर आएगा और सिक्स स्क्वायर यानी कि थर्टी सिक्स को तुम सेवन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर वन आएगा यानी ओवरऑल अगर मैं तुमसे पूछ लू कि एन स्क्वायर मॉड सेवन कितना होगा अगर मैं तुमसे ये पूछ लू एन स्क्वायर मॉड सेवन कितना होगा तो या तो जीरो होगा या तो वन होगा या तो टू होगा या तो फोर होगा सर आर यू श्योर आपने तो रिमाइंडर का ही स्क्वायर कर दिया मैं बोलूंगा हाँ और स्क्वायर करने के बाद ऑब्वियसली जैसे स्क्वायर किया तो नाइन आया। तो आया को फिर से डिवाइड बिकॉज नाइन को फिर से, से सात के ग्रुप में बांटा जा सकता है ठीक है क्योंकि एकदम छोटा फॉर्म में तो नहीं हुआ तो टू इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म राइट अब मैं देखता हूं कि वाकई में यह आता है या नहीं आता है तो चलो यहां लिखता हूं एन स्क्वायर और यहां लिखता हूं मोर्ड सेवन ठीक है वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव पहले इतना देखता हूं ठीक है इतना देखता हूं तो यहां से ऑब्वियस वन है फोर है टू है टू है ठीक है फोर है यहां से क्या आ जाएगा थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन हो गया अपना ये आ जाएगा सिक्सटी फोर एट्टी वन 36 को 7 से करोगे रिमाइंडर इज वन फोर्टी से रिमाइंडर इज जीरो और remainder is again 4. और क्या है हंड्रेड हंड्रेड को जब सेवन से डिवाइड करोगे तो नाइन्टी वन सेवन से होता है रिमाइंडर इज टू ठीक है रिमाइंडर इज टू देख लो रिमाइंडर यही आएगा जीरो वन फोर यही है जो ऊपर लिखे हो यानी कि में एक कंक्लूजन दूंगा टेंशन मत लो इसका मैं कंक्लूजन दूंगा ठीक है इसका मैं कंक्लूजन दूंगा ठीक है और कुछ एग्जाम्पल कर ले क्या चलो करते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखो यहां पे अगर मैं बोल दून क्यूब मॉड सेवन क्या क्या हो सकता है मतलब किसी भी नंबर का क्यूब क्या क्या हो सकता है अगर मैं ऐसे बोल दू किसी भी नंबर का क्यूब का मोड सेवन क्या क्या हो सकता है तो पहले काम करते हैं पहले लिस्ट बनाते हैं एन क्यूब का ठीक है एन क्यूब का लिस्ट बनाते हैं वन का क्यूब तो वन होगा टू का क्यूब एट होगा थ्री का क्यूब कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन फोर का क्यूब सिक्सटी फोर फाइव का क्यूब वन ट्वेंटी फाइव फिर टू अच्छा एक मिनट यहीं तक करते हैं मॉड सेवन वन को सेवन से डिवाइड करोगे वन आएगा एट को सेवन से डिवाइड करोगे अगेन वन ट्वेंटी को सेवन से डिवाइड करोगे सिक्स six आएगा सिक्सटी को सेवन से डिवाइड करोगे वन आएगा वन को सेवन से डिवाइड करोगे तो यहां से फिफ्टी और आई थिंक अगेन सिक्स आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर यू गेटिंग माई पॉइंट और जीरो से भी करना चाहिए था जीरो वाला लिखे नहीं है क्योंकि सेवन क्यूब आएगा आगे ठीक है सिक्स क्यूब देख लेना ठीक है टू हंड्रेड सिक्सटीन को जब तुम डिवाइड करोगे तो अगेन सिक्स ही आएगा मेरे ख्याल से और सेवन क्यूब यानी कि थ्री फोर थ्री उसको जब करोगे तो ये तो देखो ये तो कोई बोलने वाली बात नहीं है जीरो ही आएगा ठीक है इसको मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है बिल्कुल याद है सबको बट मतलब नहीं है ठीक है अब ध्यान से समझना इस बात को जब मैंने बोला कि एन मॉड सेवन कितना हुआ तो तुम बोले या तो जीरो या तो वन या तो टू या तो थ्री या तो फोर या तो फाइव या तो सिक्स ठीक है मैंने ये बोला ठीक है अब ध्यान समझना अगर तुमको एन क्यूब मॉड सेवन निकालना है तो ऑब्वियस बात है तुम इसी को क्यूब ले लोगे और जब तुम इसको क्यूब लोगे तो यार यही आएगा ना आंसर यही आएगा ना वन टू सिक्स का क्यूब लिखा हुआ है तो क्या मैं लिख सकता हूं एन हाँ 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 का पावर सिक्स मोड सेवन निकालना है तो यू डोंट नीड टू फाइंड नंबर का पावर सिक्स और फिर छे से डिवाइड नहीं रे बाबा ये भैया ये एन क्यूब का स्क्वायर है या नहीं है, है? या तो तुम ऊपर वाले नंबर का पावर सिक्स कर दो उतना मेहनत कौन करेगा क्यूब लिखा हुआ है इसका स्क्वायर कर दो जीरो, जीरो थर्टी थर्टी करोगे फिर से फिर से फिर से वन ही आएगा अरे यार क्या हो रहा है फिर से वन ही आएगा किसी किसी को कुछ नहीं समझ में आया होगा ठीक है कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा बट सिंपल मैं समरी ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ए इज कॉन्क्यूरेंट टू बी मॉड एम तो अगर यहां पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के से पावर रेस करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा इसका भी बाकायदा वैसा प्रूफ है टेक्निकल प्रूफ वो भी दूंगा अगले क्लास में बट यहां से मैं ये बताना चाह रहा था बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सबसे ज्यादा ये यूज होने वाला है ये खतरनाक टाइप से यूज होने वाला है यहां तक कि जो तुम थ्यूरम पढ़ोगे जो तुम थ्यूरम पढ़ोगे उसमें भी यही चीज यूज होने वाला है ठीक है उसमें भी ये क्या हो गया ये क्या हो गया हां चलो उसमें भी यही यूज होगा क्या ये बात समझ पा रहे हो हाँ या ना बोल देना आई होप कहानी समझ में आया होगा एक बार लास्ट वाला पॉइंट मैं फिर से समझा दे रहा हूं कि जैसे मैंने बोला कोई नंबर को जब तुम सेवन से डिवाइड करोगे तो पता चला कि क्या क्या रिमाइंडर आएगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स किसी नंबर के स्क्वायर को जब छह से सेवन से डिवाइड करोगे तो क्या क्या रिमाइंडर आएगा वो तुमने लिस्ट बना के निकाल दिया बट न डू डायरेक्टली कैसे जो रिमाइंडर पॉसिबल था उसका स्क्वायर कर दो आंसर सेम आएगा are you getting? ठीक, are you getting my point? अगर, अगर तुमसे यह बोला जाए अगर तुमसे यह बोला जाए सिंपल है सिंपल है सिंपल है कहानी एन मोड थ्री क्या क्या आएगा तो तुम बोलोगे सर जीरो वन और टू मैं बोलूंगा अगर मैं एन क्यूब मॉड थ्री कर दू तो क्या क्या आएगा जीरो का क्यूब जीरो ठीक है रिमाइंडर का क्यूब कर दो आंसर सेम आएगा वन का क्यूब वन और टू का क्यूब एट होता है तो वो फिर से टू से डिवाइड करोगे तो, तो यहां कोई फायदा नहीं होगा रिमाइंडर कम नहीं होगा बात समझ में आ रहा है तो यही आएगा आर आर यू यू गेटिंग गेटिंग पॉइंट पॉइंट मैं क्या बोलना चाहता हूं क्लियर है या नहीं है क्लियर है या नहीं है बात बता देना ठीक है जैसे एक सिंपल अगर मैं बोलू एन मॉड फाइव क्या आएगा तो जीरो वन

क्या ये कहानी समझ में आ रहा है बट इसको हम इस फॉर्म में, में यूज नहीं करेंगे जिस फॉर्म में लिख रहे हैं हम कैसे यूज करने वाले हैं हम इसका समरी ऐसे यूज करेंगे कि अगर इज टू है मॉड एम मॉड्यूलो एम में तो ए का पावर के वेर के पॉजिटिव इंटीजर इज कॉन्क्यूरेंट टू बी का पावर के होगा मॉड एम मतलब तुम दोनों साइड स्क्वायर क्यूब पावर फलाना डिम का जो भी है वो तुम कर सकते हो यू आर अलाउड किसी के मन में आ रहा होगा सर इसका टेक्निकल प्रूफ दे सकते हैं क्या मैं दे सकता हूं उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अभी नहीं दूंगा ठीक है दूंगा दूंगा क्लास क्लास में में अगले या नेक्स्ट नेक्स्ट टू ठीक है अभी मेरा काम है मेन प्रॉपर्टी बताना और प्रूफ मैंने दिया है ऊपर वाले सबका बट यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करना आना चाहिए तो जो बच्चे अभी यहां पे देख रहे हैं आई रिक्वेस्ट यू टू आप अपने से इसको कुछ कुछ प्रूफ करें प्रूफ इन द सेंस नॉट ऑब्जर्व करें पैटर्न को कि अगर हम क्यूब एन को एट से डिवाइड किए तो कितना रिमाइंडर आएगा एन क्यूब को एट से डिवाइड किए तो कितना रिमाइंडर आएगा जितना कम रिमाइंडर आएगा उतना वो आपका इंपॉर्टेंट है जैसे एन का पावर सिक्स मॉड सेवन जिसको समझ में आ रहा है ना जो पढ़ चुका है वो यहां पे ऑब्जर्व करना कुछ दिख रहा है कुछ दिख रहा है ए का पावर पी माइनस वन मोड पी थोड़ो बाद में बताएंगे ठीक है यहां से थ्योरम आता है यार यहां से थ्योरम आता है सिंपल भाषा बोलने का मतलब ये है तो जितना कम रिमेंडर आएगा, जितना कम कम रिमाइंडर रिमाइंडर आएगा आएगा उतना उतना फायदा होगा उतना आपका थ्योरम बनेगा आगे उसी बेसिस पे थ्योरम बनने वाला है ठीक है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है ठीक है कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो यहां तक आप पढ़ के आओ और अगला सेशन लेंगे उसमें कॉन्क्सी का और भी प्रॉपर्टीज करेंगे ठीक है चलो फिर बाय बाय कीप लर्निंग एंड फिर मिलते हैं अगले सेशन में